सो गाइस आईपीएल 2021 में आरसीबी अगेन यहाँ पे ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। जहाँ दोस्तों एलिमिनेटर मैच में यहाँ पे आरसीबी की टीम केकेआर के खिलाफ हार चुकी है एंड अगेन आईपीएल 2021 आरसीबी की टीम चैंपियन नहीं बन सकती है। यहाँ पे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम कौन से चार प्लेयर्स को रिटेन करने वाली है एंड बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हमें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। आखिर कौन से चार प्लेयर्स यहाँ पे रिटेन करने वाले, लगभग 99% ये कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आईपीएल 2021 में यहाँ पे आरसीबी की टीम ने कुल यहाँ पे लीग स्टेजेस में 14 मैचेस खेले थे। उन 14 मैचेस में से 9 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है, 18 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे तीसरे स्थान पे यहाँ पे आरसीबी की टीम एंड की थी। एंड यहाँ पे आरसीबी की टीम लीग स्टेजेस में बहुत ही फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे अगेन नॉकआउट मैचेस होते थे, वहाँ पे आरसीबी की टीम हारती थी। लास्ट सीजन भी ऐसे हुआ था, यहाँ पे इस सीजन भी आरसीबी की टीम नॉकआउट मैच में हार गई है। यहाँ पे जो आरसीबी का जो यहाँ पे जर्नी है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पे विराट कोहली भी अपना लास्ट सीजन आरसीबी के कैप्टन के तौर पे खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे आईपीएल 2022 में हमें विराट कोहली आरसीबी की कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हो रिटेन प्लेयर्स के बारे में, आखिर कौन से प्लेयर्स को यहाँ पे आरसीबी की टीम रिटेन करने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम रूल्स को समझ लेते, तो कैसे यहाँ पे अभी तक जो रिटेंशन पॉलिसी है वो यहाँ पे 100% कन्फर्म नहीं हुई है, यानी कि ऑफिशियल यहाँ पे आईपीएल ने कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे किस हिसाब का रिटेंशन पॉलिसी होने वाला है। लेकिन यहाँ पे सोर्सेज की माना जाए, रिपोर्ट्स की माना जाए, तो कैसे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक टीम मैक्सिमम 4 प्लेयर्स को अपने टीम में वापस ले सकती है, 2 प्लेयर्स को यहाँ पे रिटेंशन के थ्रू एंड 2 प्लेयर्स को यहाँ पे आरटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ पे अपने टीम में वापस ले सकते हैं। यानी टोटल 4 प्लेयर्स यहाँ पे आरसीबी की टीम अपने टीम में वापस ले सकती है। अब वो 4 प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं। जो सबसे पहले प्लेयर है वो यहाँ पे है विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। आईपीएल 2021 में कुल यहाँ पे 15 मैचेस के 15 मैचेस में से कुल 405 रन यहाँ पे विराट कोहली ने स्कोर किए, जो यहाँ पे कई अच्छा परफॉर्मेंस था। यानी कप्तानी अब अगले साल नहीं होगी, जो यहाँ पे और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज होने वाला। तो कैसे अभी विराट कोहली को अफकोर्स यहाँ पे आरसीबी टीम रिटेन करने वाली है। जो दूसरा प्लेयर है वो यहाँ पे एबी डिविलियर्स है। जहाँ दोस्तों एबी डिविलियर्स ने इस सीजन कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे कुछ क्रूशल पारी खेली, कुल 15 मैच में कुल 313 रन यहाँ पे एबी डिविलियर्स ने स्कोर किए हैं। एंड यहाँ पे विराट कोहली ने कन्फर्म कर दिया कि यहाँ पे एबी डिविलियर्स अगला सीजन भी खेलने वाले हैं एंड अगला सीजन खेलने वाले। तो कैसे यहाँ पे अफकोर्स आरसीबी की टीम की तरफ से एबी डिविलियर्स खेलने वाले। तो कैसे हमें विराट कोहली एंड एबी डिविलियर्स ये 2 प्लेयर्स हो गए जो यहाँ पे आरसीबी टीम ऑक्शन से पहले रिटेन करने वाली है। अब दोस्तों उन 2 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आरसीबी की टीम इनको आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी ऑक्शन में। सबसे पहले प्लेयर है वो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा आईपीएल 2021 में, इनको रिटेन भी कर सकती है। आईपीएल 2021 में कुल यहाँ पे 15 मैचेस खेले, उन 15 मैचेस में से कुल यहाँ पे 513 रन स्कोर किए एंड 3 विकेट चटकाए। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए तो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। एंड यहाँ पे अगर ऑक्शन में जाते तो गाइस अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा बिडिंग यहाँ पे इन पे होने वाले। तो गाइस यहाँ पे आरसीबी टीम में भी एबी डिविलियर्स की जगह रिटेन कर ले, तो गाइस यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पे आरसीबी टीम रिटेन कर सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो अगर कम प्राइस में जाते तो गाइस ऑक्शन में इन पे जरूर यहाँ पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल होने वाला है। जो चौथे प्लेयर है वो यहाँ पे देवधर पटिकल है। देवधर पटिकल ने आईपीएल 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, कुल 14 मैच में कुल यहाँ पे 411 रन स्कोर किए, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे ऐसे र्यूमर्स भी आ रहे थे कि यहाँ पे आईपीएल 2022 में यहाँ पे मतलब कि देवधर पटिकल को कप्तान भी बना दिया जाएगा। अगर ऐसा सोच रही आरसीबी की मैनेजमेंट तो यहाँ पे इनको जरूर यहाँ पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके इनको वापस टीम में लेने वाले। तो कैसे 4 प्लेयर्स है जहाँ पे आरसीबी टीम इनको वापस ले लेगी, जो यहाँ पे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल एंड देवधर पटिकल। एंड आपके अकॉर्डिंग कौन से 4 प्लेयर्स रहने वाले, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी भी रिटेंशन पॉलिसी यहाँ पे ऑफिशियली निकल के नहीं है कि यहाँ पे आप कितने ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, कितने यहाँ पे आप इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। गाइस यहाँ पे अभी जिस हिसाब लेटेस्ट रिपोर्ट की माना जाए तो यही अपडेट निकल के आई है कि आप 4 प्लेयर्स को अपने टीम में वापस ले सकते हो, 2 आरटीएम कार्ड के थ्रू एंड 2 रिटेंशन पॉलिसी के थ्रू। इस पर जो भी ऑफिशियल अपडेट यानी कि आईपीएल जैसे यहाँ पे ऑफिशियली बता देता है कि यहाँ पे ऐसा रिटेंशन पॉलिसी होने वाला है, मैं आपको तुरंत यहाँ पे बना के बता दो कि यहाँ पे कौन से प्लेयर को यहाँ पे आरसीबी की टीम यानी कि अदर फ्रेंचाइजेस की टीम है वो यहाँ पे रिटेन करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे रिलीज प्लेयर्स का बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे बहुत शॉकिंग नेम्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम बैट्समैन में रिलीज करने वाली सचिन बेबी, रजत पाटीदार, सुयश प्रभु देसाई, टीम डेविड, श्रीकांत भारत एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम निकल के आ रहा है। यहाँ पे श्रीकांत भारत है, रजत पाटीदार है। अब यहाँ पे इनमें से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा, यहाँ पे बस श्रीकांत भारत है जो यहाँ पे रिसेंटली आईपीएल 2021 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा।
रखा है। एंड वही दोस्तों बात कीजिए ऑलराउंडर्स के दुकान से, आरसीबी की टीम ऑलराउंडर्स में रिलीज करने वाली है पवन देशपांडे, डेनियल क्रिस्टन एंड शाहबाज अहमद। यहाँ पे डेनियल क्रिस्टन का बड़ा नाम निकल के आ रहा है एंड ऑक्शन पे इन पे हाई बिडिंग हो सकती है। एंड वही दोस्तों बात की जाए बॉलर्स की दुकान से, आरसीबी की टीम बड़े बड़े बॉलर्स को यहाँ पे रिलीज करने वाले, जो यहाँ पे हर्षल पटेल, काइल जेमिसन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, जॉर्ज गार्टन एंड आकाशदीप। यहाँ पे आईपीएल 2021 के पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल अनफॉर्चुनेटली रिलीज होने वाले, बिकॉज यहाँ पे कुछ चार ही प्लेयर्स को यहाँ पे रिटेन कर सकते, तो यहाँ पे हर्षल पटेल हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे काइल जेमिसन यहाँ पे जहाँ पे आरसीबी की टीम ने बहुत महंगे में खरीदा है, यहाँ पे रिलीज होने वाले। एंड मोहम्मद सिराज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया आरसीबी की टीम की तरफ से, लेकिन यहाँ पे ऑक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन यहाँ पे रिटेंशन पॉलिसी के चलते ये हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए कुल 18 बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रिलीज होने वाला है, जिसमें से दो प्लेयर्स पे आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए 16 बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हमें ऑक्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड इनमें से बहुत ही कम प्लेयर्स यहाँ पे आरसीबी टीम वापस खरीद सकती है, एंड जो बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पे आईपीएल 2022 में हमें नए टीम में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप कॉमेंट सेक्शन में जो बताए कि यहाँ पे आईपीएल 2022 में यहाँ पे आरसीबी टीम कैसा स्क्वाड बिल्ड कर सकती है, एंड यहाँ पे क्या आईपीएल 2022 में क्या पे आरसीबी की टीम फाइनली जो ट्रॉफी है वो यहाँ पे जीत पाए कि नहीं, बड़ा कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड वीडियो कहीं पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।